अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान सुबह से जारी है। इस बीच कई जगहों से ईवीएम के खराब होने की खबर आई तो कहीं फर्जी एजेंट भी गिरफ्तार किए गए। लेकिन कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई, जहां बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने दोनों पर काबू पाने की कोशिश की। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का विरोध किया। कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, उसे अपनी हार दिखाई दे रही है और इसी के चलते उनके समर्थक हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और इनके लोग अब अराजकता पे उतर आए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के बूथ पर बैठी हुई महिलाओं को मारा, नोचा और इनके खुद के लोग बूथ के अंदर जा के प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर जो बेईमानी करवा सकते करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह इनका साथ दे रही है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठी होने लगे। कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ को देखकर मौके पर भारी पुलिस बल को भी बुलाया गया। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। गोविंद नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान बर्राचार इलाके में बीजेपी और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सत्ता के दम पर बीजेपी कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट करवा रहे हैं। जब पुलिस से उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने भी उल्टा उन्हीं पर दबाव बनाया। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने विरोध दर्ज करवाया। मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और हालात अब काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।